आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि गोल्ड अभी इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1932 पर ट्रेड कर रहा है, आधे फीसदी की बढ़त है गोल्ड के अंदर, और जो सिल्वर है $25.2 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, लगभग 1.25% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रही है सिल्वर। वहीं MCX सिल्वर 0.25% की बढ़त के साथ 68,220 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, और MCX पर गोल्ड 51,000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले शाम में देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में गोल्ड और सिल्वर में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर तेजी बनती हुई नजर आई है हल्की सी। गोल्ड और सिल्वर सुबह के कारोबारी सत्र में एक हल्की सी नरमी के साथ कारोबार कर रहे थे, वहीं शाम के कारोबारी सत्र में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। तो अब सोने चांदी में यहां से क्या करके चलना सही रहेगा जिससे अच्छा मुनाफा देखने को मिले, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे MCV पर। हाँ जी, नमस्कार अमित जी। सबसे पहले बात करें यहाँ से अगर सोने और चांदी की, तो हमने सुबह के कारोबारी सत्र में तो ऐसे ही देखा था कि सोना चांदी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे थे, एक नरमी देखने को मिली थी। वहीं शाम होते होते अब देख रहे हैं कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही लेवल्स पर कुछ बढ़त देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, क्या सोना चांदी अभी ऐसी उठापटक के साथ कारोबार करते रहेंगे या फिर सोने में आगे बढ़त भी बनेगी? देखिए, सोने चांदी में एक दायरा सा बना हुआ है। हमने देखा है कि गोल्ड में 52,000 से 51,000 के बीच पिछले एक हफ्ते में ट्रेड कर रहा है, जहां पर निचले स्तरों पे बाइंग और ऊपरी स्तरों पे सेलिंग आ रही है। तो क्योंकि अब हम ऊपरी स्तरों के करीब है, मुझे लगता है कि यहां से जो अपसाइड है वो थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। 51,700-750 पे रेजिस्टेंस है, और कल के हाईज अगर देखा जाए तो 51,950 के करीब थे, तो उसके ऊपर का स्टॉप लिखे मेरा मानना है कि बिकवाली कर सकते हैं यहाँ से, और दोबारा हमें 51,300 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। जहां तक चांदी का सवाल है, 69,000-69,000 के करीब रेजिस्टेंस है, जब तक ये लेवल नहीं निकलता तब तक दोबारा लगभग 67,500 यानी 67,500 के स्तर हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे जी। यही सभी जी बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि फिर से तेजी लौटी है। जो क्रूड ऑयल $100 के नीचे लुढ़क चुका था, अब $100 के ऊपर है, $110 के ऊपर सस्टेन है पिछले दो दिनों से। WTI और ब्रेंट दोनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है अभी यहाँ से क्रूड ऑयल अभी और कितनी तेजी की ओर जाने वाला है? जी देखिए, क्रूड ऑयल में क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि यूरोप भी जो है उनका क्रूड है उसको बैन करे या धीरे धीरे जो डिपेंडेंस है वो कम कर दे, तो एक फंडामेंटली ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है जिसका इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिला है। और हमने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखी है, लगभग 25% की तेजी हमने हफ्ते या 10 दिन में आते हुए देखी है। यहाँ से प्योरली अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो अपसाइड जो है, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा लिमिटेड होगा। 8,800 तक जाके हो सकता है कि हमें एक करेक्शन देखने मिले, लेकिन अगर आप प्योरली शॉर्ट टर्म या इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो एक बार 8,800 के लेवल हमें देखने मिलेंगे, जहां से दोबारा मुनाफा वसूली हावी हो सके जी। अमित जी, बीच में ये कच्चे तेल को लेकर ये भी बात चली थी कि ईरान की न्यूक्लियर डील फिर से रिवाइव हो सकती है, हालांकि उस पर फिर कोई बातचीत नहीं हुई। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने जब से रशिया के क्रूड पर प्रतिबंध लगाए हैं, तब से अमेरिका ने बाकी देशों से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए कहा है, और अमेरिका खुद की भी अपनी क्रूड की भी सप्लाई बढ़ाने की ओर काम कर रहा है। तो क्या ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी आने की पॉसिबिलिटीज हैं? जी डेफिनेटली, जो आपने कहा बिल्कुल वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ईरान की तरफ से हो या वेनेजुएला की तरफ से या यूएस की तरफ से ही जो प्रोडक्शन है या सप्लाई है वो बढ़ाने की कोशिश जारी है। लेकिन देखिए, ये ध्यान रखिए कि JCPOA जो अग्रीमेंट हुई थी ईरान और यूएस के बीच, वो जहां डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रद्द कर दिया था यूएस की तरफ से, ईरान इस बार काफी कॉशियस रहेगा, क्योंकि इस बार अगर दोबारा ऐसा होता है तो मे बी आगे आने वाले समय में वो अग्रीमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस बार जो अग्रीमेंट है उसको हो सकता है कि लागू होने में
या एप्लीकेबल होने में थोड़ा सा समय निकल जाए, थोड़ा टाइम निकल जाए, जबकि थोड़ा टाइम से मेरा मतलब है हो सकता है कि हमें 6 महीने या 8 महीने भी निकल जाए इसे ऑन पेपर आने में, और तब तक अगर ये जो वॉर है रशिया यूक्रेन का और एस्केलेट होता है और इस वजह से ग्राउंड लेवल पे अगर इन्वेंट्रीज कम होती है या फिर रशिया की सप्लाई कम होती है तो उसका रिएक्शन इमीडिएट देखने मिलेगा। तो हालांकि जो हमें सप्लाई ईरान से आना है वो फ्यूचर में आना है, लेकिन जो डिसरप्शन है वो इमीडिएट हो सकती है, तो इस गैप की वजह से प्राइसेस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिखा सकती है। वहीं वेनेजुएला के साथ भी कहीं ना कहीं पहले भी सैंक्शन लगे थे, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे उनके प्रेसिडेंटशिप को लेकर, तो वो भी जो है थोड़ा कॉशियस होगा कोई भी एग्रीमेंट पे आने के लिए। तो ये दो काफी एक मुश्किल डिप्लोमेटिक हालात हैं जिन्हें हो सकता है सॉर्ट आउट होने को टाइम लगे, और फिलहाल मार्केट वही चीज डिस्काउंट कर रहा है। जी यही समीत जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं कि एक नरमी वाला रुझान ही देखने को मिल रहा है, मिला जुला से रुझान है। आपको क्या लगता है निकल के बाद अब किस बेस मेटल में अब तेजी देखने को मिल सकती है? क्या कॉपर और एल्यूमिनियम यहाँ से अब उछाल मारते हुए नजर आ सकते हैं? जी देखिए, मेरा मानना है कि कॉपर एज इट इज काफी ऊपर जाने के बाद, यानी 890 के करीब जाने के बाद 785 780 के करीब लो दिखा चुका है, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी हमें देखने मिली है, तो ऐसा लगता है कि कॉपर एक अच्छा परफॉर्मर हो सकता है मीडियम टर्म बेसिस, जहां पर हमें 840 से 845 के लेवल दोबारा देखने मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं कॉपर का जो बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर आप 3 महीने पहले देखें, 2 महीने पहले देखें, तो 810 या 800 के करीब रेजिस्टेंस हुआ करते थे और 730 की सपोर्ट हुआ करते थे, कहीं ना कहीं वो रेंज हो सकता है कि 780 से 850 की तरफ शिफ्ट हो गई हो, तो कॉपर एक आउट परफॉर्मर हो सकता है आने वाले समय के लिए। जी अमित जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप? मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस जिंक, एनसेक जिंक हमें तेजी दिख सकती है 336 के लक्ष्य के लिए, और कॉपर में लगभग 827 के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस तेजी देखने मिल सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अमित जी से कि अब एग्री कम्युनिटीज में कहाँ पर निवेश के मौके हैं, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले कॉटन से। अमित जी बात करें अगर सबसे पहले M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपने बता दिया था कि जो कॉटन रहेगी वो 40,000 से लेकर 42,000 तक रहेगी, और हम 41,000 के ऊपर अप्रैल वायदा को ट्रेड करते हुए भी देख रहे हैं, क्या इसी बीच मुनाफा वसूली भी बनने की कुछ उम्मीदें हैं? जी देखिए, जिस प्रकार से जो बड़ी तेजी की उम्मीद थी कि 40,000 से इमीडिएट टारगेट और 42,000 का पोजीशन टारगेट जैसे आपने बताया वो तो हासिल होता हुआ दिखा है, 42,000 भी पेंडिंग है। इस बीच मुझे लगता है कि 41,300 तक ये जो रैली है एक्सटेंड होगी, जिसके बाद एक हल्की मुनाफा वसूली 40,000 तक देखने मिलेगी। लेकिन ओवरऑल जो रुझान है वो मेरा मानना है कि नेक्स्ट 1 महीने के लिए भी तेजी का रहेगा, और हम 42,000 से 42,200 किस स्तर देख पाएंगे, यानी ओवरऑल इस लेवल से भी करीबन 4-5% की तेजी हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। जी अमित जी बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने सुस्ती के साथ कारोबार देखा है, लेकिन आज देख रहे हैं कि बिनौला खल 3300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। अमित जी आपको क्या लगता है जिस तेजी की व्यापारी और निवेशक उम्मीद कर रहे थे बिनौला खल में कब आएगी, क्या वो अब आ चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए आपने पिछले हफ्ते मुझसे यही सवाल पूछा था कि वो तेजी अब कब आएगी, क्योंकि मैं लगभग पिछले 1 महीने से तेजी की बात कर रहा था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि काफी जल्द हमें देखने मिलेगी, अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें तेजी देखने मिल सकती है, तो वैसा ही हो रहा है। 3320 का जो स्तर है वो काफी समय के बाद हमने देखा है, लगभग जनवरी के बाद हमने ये स्तर देखे हैं, और मुझे लगता है कि अब इस वक्त जो पेंडिंग व्यू है 3350 का, जो शायद मैं काफी समय से कह रहा हूँ, इस तेजी में हमें देखने मिलेगा, तो जो निवेशक है वो तेजी की तरफ रह सकते हैं। जो भी डिप आए, अगर समझ लीजिए 3330 से करेक्शन भी आती है तो 3200 से 3210 से नीचे में ज्यादा जाते हुए नहीं देखता, और इस तेजी में मेरा मानना है कि हम 3350 के जो स्तर है वो काफी जल्द देख पाएंगे। जी ये समय जी बात करें अगर कैस्टर की, तो कैस्टर में देख रहे हैं वही सीमित दायरा है, तो क्या कैस्टर में अभी जो सीमित दायरा है कुछ समय और रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले दफा भी मैंने यही कहा था कि सीमित दायरा जो है वो और हफ्ते या 10 दिन तक एक्सटेंड होगा, और वही हमने देखा, लेकिन ये जरूर है कि ये सीमित दायरा ऊपरी तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी निचले स्तरों पे हमें बाइंग आते हुए दिख रही है, और यही चीज जारी रहेगी।
7,350 का जो डेली क्लोजिंग बेसिस लेवल है, एक बार वो निकल जाता है तो मैं समझता हूँ 7,600 से 7,700 तक के स्तर देखने मिलेंगे। तो मैं ओवरऑल तेजी की तरफ हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली 7,350 के ऊपर एक क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है। जिस दिन वो आ जाती है उसके दूसरे ही दिन से आप समझ सकते हैं कि लगभग और 3 से 4% की तेजी हमें दिखाई देगी। जी ये समय जी बात करेंगे ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में आज हमने 11,500 तक भी कीमतें जाते हुए देखी हैं और ग्वार सीड 6,200 के करीब है। अब आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम ग्वार सीड अब अच्छी तेजी के लिए तैयार है और क्या अच्छी तेजी आने वाली है ग्वार गम ग्वार सीड के अंदर? जी बिल्कुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि तेजी के लिए बाजार तैयार है। हालांकि थोड़ा सा इनिशियली स्लो एंड स्टेडी पेस हो सकता है, यानी कि हम लिमिटेड टारगेट लेके चल सकते हैं इनिशियली एक या दो हफ्ते के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर मैं 1.5 से 2 महीनों की बात करूं, लगभग 6-8 से 10 हफ्तों की, तो मेरा मानना है कि लगभग 7,000 तक के स्तर हमें ग्वार सीड में देखने मिल सकते हैं। लिमिटेड अगर मैं व्यू लेना चाहूं छोटी अवधि के लिए, तो मेरा मानना है कि इमीडिएट तौर पर 6,350 का एक स्तर है और उसके बाद लगभग 6,600 तक के लेवल हमें ग्वार सीड में 2 से 3 हफ्तों में देखने मिलेंगे। तो मैं तेजी की तरफ ही रहना पसंद करूंगा ग्वार सीड में। वहीं ग्वार गम में सिमिलर लेवल से अगर देखे जाए तो इमीडिएट तौर पर 11,800 और पोजिशनल बेसिस पे मेरा मानना है कि हम 13,000 से 13,200 के लेवल देख सकेंगे। जी ये समय जी मसालों पर आपकी क्या राय रहेगी? मसालों में देख रहे हैं कि कभी सुस्ती तो कभी निचले स्तर से खरीदारी बनती है, आज हमने जीरे में खरीदारी आते हुए देखी है, आपको क्या लगता है क्या मसालों में अभी ऐसी वॉलेटिलिटी जारी रहेगी? जी देखिए, जीरे में मच नीडेड करेक्शन थी क्योंकि हमने देखा था कि लगभग 14,000 से 22,000 कंटिन्यूसली नॉनस्टॉप मार्केट बढ़ा था पिछले 4 महीनों में। तो एक ब्रीदर जिसे हम कहते हैं, एक पॉज कहते हैं, जहां पर जो वीक हैंड्स हैं या रिटेल ट्रेडर्स हैं वो फिलहाल अपना मुनाफा वसूली कर लेते हैं और दोबारा जो बड़े निवेशक हैं वो एंटर करने की ट्राई करते हैं। तो वो एक प्रोसेस चल रहा है और मुझे लगता है कि दोबारा जीरे में तेजी की शुरुआत हो चुकी है। हमने पिछले 2 ही हफ्तों में लगभग 19,500 से 21,600 तक के स्तर देखे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो तेजी है जारी रहेगी और जो पहले पोजिशनल व्यूज थे 23,500 से 24,000 के, वो अब भी पेंडिंग है और मेरा मानना है कि काफी जल्द हमें वो दिखाई देंगे इस तेजी में। जी ये समय जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो यूएस सोयाबीन फ्यूचर देख रहे हैं कि $1,700 के ऊपर सस्टेन है लगातार 2 दिनों से, आपको क्या लगता है इसका असर अब भारत में सोयाबीन की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर सोयाबीन की जो अराइवल्स हैं अभी भी कम ही देखने को मिल रही है, किसानों ने ज्यादातर अपना सोयाबीन स्टॉक करके रखा हुआ है अभी भी। जी देखिए, इसके साथ साथ ये भी है कि गवर्नमेंट जो है हो सकता है वो इनपुट ड्यूटी घटाने की बात करे खाद्य तेलों पे, तो उसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सोयाबीन पे देखने मिले। लेकिन ऑन द होल अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो थोड़ी देर साइडवेज रहेगा, थोड़ी देर से मेरा मतलब है लगभग 2 हफ्ते और हम 7,400 से लेकर 7,900 के स्तर देख पाएंगे, तो एक सीमित दायरे में कारोबार होगा। लेकिन ओवरऑल रुख की बात करें तो मेरा मानना है कि दोबारा 2 महीने के लिहाज से हम 8,200 से 8,300 के स्तर देख पाएंगे। तो जो भी डिप आए इस दौरान उसका फायदा लिया जा सकता है तेजी करने के लिए, लेकिन वो डिप जो है वो 7,400 की हो सकती है, वहां से दोबारा तेजी बनने की उम्मीद है। जी यही समय जी बात करें अगर मैंथा ऑयल की, तो मैंथा में आपको क्या लगता है क्या मैंथा में कुछ तेजी बाकी है, मैंथा आगे तेजी की ओर जाता नजर आएगा? जी तो मेहता में भी जो 1110 के व्यू थे उसके काफी करीब बाजार इस बार गया था, 1090 से 1092 तक के हाइज बने थे, अब तक वो व्यू खत्म हुआ नहीं है। इस वजह से मेरा मानना है कि 1110 का व्यू अब भी पेंडिंग है, तो जो भी डिप आती है 1040 से 1050 की तरफ मैं वहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। जो स्टॉप है वो 1030 के नीचे होगा और जो टारगेट है वो 1090 और उसके बाद 1110 का होगा पोजिशनल बेसिस पे। जी अमित जी एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स के देने चाहेंगे आप? जी एग्री में मेरा मानना है कि जीरे में बाय करके चला जा सकता है, बहुत ही इमीडिएट टारगेट देखा जाए तो 22,300 का होगा और जो सपोर्ट है मेजर वो लगभग 21,200 के हैं। सिमिलरली मैं समझता हूँ कि M6 कॉटन में भी 41,300 के लक्ष्य के लिए 40,500 के करीब बाय किया जा सकता है और इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 40,100 का होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कमोडिटी बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं और उन पर एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस नहीं, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।